काम। अब आप ध्यान दीजिए, ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पार्ट वन लेसर वाइज आपका पार्ट दिया जाता है। साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट वन है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपको सबसे पहले हम बता दें कि साधारण ब्याज होता क्या है। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लिया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन क्या चीज होता है? वह धन जो किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में दिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। समय क्या होता है? जितने दिन के लिए कर्ज उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय या काल कहलाता है। दर क्या चीज होता है? जिस हिसाब से दिए गए धन का ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं। अब आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। आज साधारण ब्याज का शुरुआत पहला चैप्टर पहले भी और पार्ट वन है। आपका प्रश्न है, ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया है, क्या पूछा हुआ है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अब इसको हल कर रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर ये आपका सूत्र होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा सौ बराबर ₹500 की धनराशि, अर्थात ₹500 आपका मूलधन है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10% संकेत आपका लगा रहेगा, ये दर है। 500 गुणे 10 गुणे समय आपका 3 वर्ष दिया है 3/100, इस 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। अभी 5, 10 और 3 तीनों का गुणा कर देंगे, आपका ₹150 उत्तर हुआ, अर्थात साधारण ब्याज ₹150 आ गया। इसी से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में ₹650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अभी हम बताए हैं कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो आपका मिश्रधन होता है। प्रश्न में कह रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में ₹650 हो जाता है। जब किसी धन को हम बैंक में जमा करते हैं तो कुछ समय के बाद बैंक द्वारा हमें जमा किए हुए धन से अधिक धन की प्राप्ति होती है, अर्थात मूलधन और साधारण ब्याज दोनों एक में जुड़ जाता है, वो आपका मिश्रधन होता है। अब आप मूलधन वह धन ज्ञात कीजिए, अर्थात मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर ये आपका सूत्र है, मिश्रधन गुणे 100/100 धन दर गुणे समय। मिश्रधन आपका ₹650, 650 गुणे 100/100 धन, दर आपका 3% है, 3 गुणे समय आपका 10 वर्ष है 10 बराबर 650 गुणे 100/100 धन, पहले यहाँ गुणा करेंगे 23 बराबर 650 गुणे 100/100 और 30 को जोड़ देंगे 130 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। 13 से 65 को डिवाइड कर देंगे, 13 से 65 500 का गुणा कर देंगे ₹500, अर्थात ये ₹500 आपका मूलधन हुआ उत्तर के रूप में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी लिखें। और अभी मैं बता दूं, इससे पहले कुछ दिनों के लिए वीडियो बंद हो गई थी इस कारणवश, और हमारे यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स में भी इत्यादि की भी कक्षाएँ चलाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त टेट, सी टेट इत्यादि की भी कक्षाएँ चलाई जाती हैं और नवोदय विद्यालय, सीजीएस विद्यालय,
सैनिक विद्यालय की भी कक्षाएं चलाई जाती हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। और यह भी बता दें कि ये हमारी कोचिंग माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर गाजीपुर जिले में दुर्गापुर थाने से 1 किलोमीटर पूर्व टुकड़ा हनुमान मंदिर के पास स्थित है। यदि आपको इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव और ये मोबाइल नंबर है 94-15-88-75-29। इस पर कंसल्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको प्रतिदिन रीजनिंग, मैथ, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि के लिए मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस इत्यादि अर्थात सिलेबस के अनुसार सारी सब्जेक्टें प्रतिदिन पढ़ाई जाती है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो हमारे इस मोबाइल नंबर से संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।